नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किया लेटेस्ट आदेश। 6 जनवरी 2023 की लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आपके लिए नए और बेहतरीन वीडियो हमेशा लाते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से 3 जनवरी 2022 को ये लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ये अनाउंस किया गया है कि वर्ष 2022-23 के दौरान जो जनरल प्रोविडेंट फंड है तथा उसी प्रकार से अन्य जो प्रोविडेंट फंड्स हैं उनमें जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक 7.1% की दर से रहेगी, जो 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। तो वो कौन कौन से फंड है जिस पर ये ब्याज दरें लागू होगी, जैसे कि जनरल प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, जनरल प्रोविडेंट फंड, इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, द इंडियन नेवल डॉकयार्ड वर्कमैन प्रोविडेंट फंड, डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड, आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड के लिए 3 महीनों के दौरान 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के लिए ये ब्याज दर 7.1% रहेगी।